यहाँ पे देखिए द पिलग्रिम प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान, ठीक है। बनियान ने ये जो पिलग्रिम प्रोग्रेस लिखी, बेसिकली दैट इज अ क्रिश्चियन स्टोरी कि एक इंसान को रिलीजियन के रास्ते पे चलते हुए, क्रिश्चियन रास्ते पे चलते हुए या जीसस क्रिस्ट के रास्ते पे चलते हुए कितनी हर्डल्स आती हैं। अब ये है ना पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, द टाइटल टाइटल ही बता रहा है कि एक पिलग्रिम की जो प्रोग्रेस है, ठीक है। एक ऐसा पिलग्रिम किसे कहते हैं, पिलग्रिम एज कहते हैं हज को, पिलग्रिम कहते हैं एक हाजी को। हाजी बेसिकली क्या होता है, जो रिलीजन के मकसद के लिए किसी श्राइन के ऊपर जाता है या वो रिलीजियस की खातिर जो है अपना सफर तय करता है या वो किसी मुकद्दस मकाम पे जाने के लिए अपना एक सफर शुरू करता है, उसको हम कहते हैं पिलग्रिम, ठीक है। इन क्रिश्चियन टर्म्स अगर हम देखें तो पिलग्रिम एज इज द रिलीजियस जर्नी, जो कि हम किसी श्राइन पे जाने के लिए, किसी मजार पे जाने के लिए एक सफर बहुत लंबा सा तय करते हैं। जैसे हमने चौसर में पढ़ा कि वो सारे पिलग्रिम्स थे, और यहाँ पे पिलग्रिम प्रोग्रेस क्या है कि बेसिकली एक ऐसा इंसान जो कि थियोलॉजी के रास्ते पे चलता है, जो जीसस क्रिस्ट के रास्ते पे चलता है, जो कि हक के रास्ते पे चलता है, राइटियसनेस के रास्ते पे चलता है, उसकी एक कहानी है और उसके रास्ते में कितनी हर्डल्स आती हैं हम वो देखेंगे इन पिलग्रिम प्रोग्रेस। द पिलग्रिम प्रोग्रेस इज बनियास चीफ वर्क एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज रिटन इन ओल्ड फैशन मिडीवल फॉर्म ऑफ एलेगरी एंड रिम, ठीक है। और इसको किस तरह से लिखा गया, ओल्ड फैशन मिडीवल, मिडीवल मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल एरा से जो पहले का एरा था उसको मिडीवल कहते हैं। और मिडीवल की खासियत क्या है, मिडीवल एज की क्या खासियत है, उसमें जिनों भूतों परियों की बात होती थी, हेवनली स्टेट्स की बात होती थी, हेवनली वर्ल्ड की बात होती है, जाइंट्स की बात होती है, ठीक है। और उस वक्त ये मिडीवल ही ये तरीका है, मिडीवल फॉर्म ऑफ एलेगरी एंड ड्रीम। और एलेगरी क्या होता है, एलेगरी इज अ लिटरेरी टर्म, और एलेगरी एक ऐसी स्टोरी को कहते हैं जिसके दो मायने होते हैं, एक उसके हिडन मीनिंग्स होते हैं, एक उसके रियल मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। असल कहानी की बेस पे एक फिक्टिशियस स्टोरी बनाई जाती है, तो ये बेसिकली एक एलेगरी है और ये जो है एक असल कहानी की बेस पे एक फिक्टिशियस कहानी जो है वो बनाई गई है। एंड ड्रीम, एंड इट इज यूजली रीड एंड अप्रिशिएटेड एज रिलीजियस एलेगरी, और इसको यूजली रीड किया जाता है और अप्रिशिएट किया जाता है कि ये एक रिलीजियस एलेगरी है। वाई रिलीजियस एलेगरी, क्योंकि ये क्रिश्चियन पिलग्रिमेज के ऊपर लिखी गई। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ क्रिश्चियन पिलग्रिमेज फ्रॉम हिज होम टू द सेलेस्टियल सिटी, ठीक है। एक स्टोरी सुना रही है, ये स्टोरी है एक क्रिश्चियन की, क्रिश्चियन के पिलग्रिमेज की, ठीक है, उसके जो है सफर की, जो कि वो एक रिलीजियस मकाम की तरफ करता है और वो एक सेलेस्टियल सिटी है। अब ये क्रिश्चियन जो है ये एक्चुअली हीरो ऑफ द स्टोरी है, और उसने जाना कहाँ है, उसने इस सेलेस्टियल सिटी की तरफ जाना है। अब इस रास्ते में यहाँ से यहाँ तक जाते हुए उसको क्या क्या एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या एडवेंचर्स हैं उसकी स्टोरी के, हम ये सारे पढ़ेंगे। एंड ऑफ दिस एक्सपीरियंस एंड एडवेंचर्स ऑफ द स्टोरी। एलेगरी क्या होती है, स्टोरी इन विच द कैरेक्टर सेटिंग एंड इवेंट स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट और मोरल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एलेगरी एक ऐसी कहानी को कहते हैं जिसके अंदर कैरेक्टर सेटिंग और इवेंट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट या मोरल कॉन्सेप्ट के लिए, यानी कि वो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट को शो करते हैं, किसी रियल इवेंट को शो करते हैं, किसी थीम को शो कर रहे होते हैं। और एलेगरीज हैव टू मीनिंग्स, दो तरह के मीनिंग्स होते हैं, एक उनके लिटरल मीनिंग्स होते हैं, एक उनके सिंबॉलिक मीनिंग्स होते हैं। एक तो हमें सुपरफिशियल उसके मीनिंग्स नजर आ रहे होते हैं, एक वो सिंबॉलिकली क्या चीज पोर्ट्रे कर रही है उसको हम एलेगरी कहते हैं। द पिलग्रिम प्रोग्रेस दैट क्या लिखा, फ्रॉम द वर्ल्ड टू दैट विच इज टू कम, ठीक है। फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज टू कम, पिलग्रिम प्रोग्रेस का ये टाइटल था, ठीक है। और पिलग्रिम प्रोग्रेस में उसने क्या लिखा था, फ्रॉम दिस वर्ल्ड यानी कि इस कायनात से लेके उस कायनात तक का सफर जो कि मौत के बाद आनी है, ठीक। और डिलीवर्ड अंडर द सिमिलिट्यूड ऑफ अ ड्रीम, ठीक है। ये देखें, ये इसका पूरा टाइटल कवर है वो जो हमें सामने नजर आ रहा है। स्टोरी क्या है, द होल बुक बिगेंस विद द ऑथर्स ड्रीम इन विच द ऑथर सीज अ मैन कॉल्ड क्रिश्चियन। अब ये जो ऑथर होता है वो एक ख्वाब देखता है, उसमें वो एक शख्स को देखता है जिसका नाम क्रिश्चियन होता है,
who starts a journey from home with a book, the Bible, in hand and a great burden, the weight of worldly cares and concerns on back. ठीक है, और फिर क्या है, उसने अपने हाथ में एक बाइबल पकड़ी हुई है और फिर एक ग्रेट बर्डन है। ये देखिए, ये आपको एक शख्स नजर आ रहा है यहाँ पे इस कहानी के अंदर, ये तस्वीर के अंदर, ये हाथ में इसके बाइबल है और पीछे ये जो इसने बर्डन उठाया हुआ ना, ये दुनिया का बर्डन है। ठीक है, एक तरफ उसकी बाइबल है, एक तरफ उसका ग्रेट बर्डन है, द वेट ऑफ वर्ल्डली केयर्स एंड कंसर्न्स ऑन दैट। ये वर्ल्डली केयर्स है कि इंसान जो है, एक तरफ तो वो रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, लेकिन ज्यादा हमारा कंसर्न क्या होता है, दुनिया, दुनिया में आगे निकल जाएं। तो ये सारी चीजें वो यहाँ पे दिखा रहा है। बाय द गाइडेंस ऑफ बाइबल क्रिश्चियन वांट्स टू लीव हिज होम टाउन, और बाय द गाइडेंस ऑफ द बाइबल क्रिश्चियन जो है वो लीव करना चाहता है अपने होम टाउन का, द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, हिज वाइफ, चिल्ड्रन एंड नेबर्स ऑल रिफ्यूज टू गो विद हिम एक्सेप्ट हिज फ्रेंड पेलिएबल, और उसकी वाइफ, चिल्ड्रन और नेबर्स तमाम रिफ्यूज कर देते हैं टू गो विद हिम एक्सेप्ट हिज फ्रेंड पेलिएबल, और जो है सबके सब रिफ्यूज कर देते हैं कि वो उसके साथ जाएंगे, सिर्फ उसका एक फ्रेंड जो है वो जाता है जिसका नाम पेलिएबल होता है। ठीक है, अब वो होम टाउन लीव कर रहा है और वो जो है कहाँ, उसका होम टाउन जो है वो क्या है, वो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन है। ठीक, तो सब उसको रिफ्यूज कर देते हैं सिवाय उसका फ्रेंड प्लेएबल, प्लायबल, ठीक है, प्लायबल स्टोरी, द प्लायबल रिट्रीट्स आफ्टर दे मीट द डिफिकल्टीज इन स्लॉट एस्पोर्टन। अब इसमें देखें, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, प्लायबल है या फेथफुल है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं, और ये जो है बेसिकली शो ही इसी चीज को करते हैं कि द बट प्लायबल रिट्रीव आफ्टर दे मीट द डिफिकल्टीज इन स्लॉट डेस्पोंड, कि जब वो स्लॉट डेस्पोंड जो है, ये भी एक कहानी है, जब वो स्लॉट डेस्पोंड में जो है मिलते हैं, दे मीट द डिफिकल्टी, मतलब वो देखते हैं इतनी डिफिकल्टीज उनको, तो वो भी जो है रिट्रीट कर जाता है, क्रिश्चियन अलोन बॉस, वो भी उसको मतलब उसका दोस्त जो है वो छोड़ देता है। प्लायबल जो है बेसिकली, प्लायबल क्या है, वो हक और बातल के दरमियान जो है एक ऐसा शख्स, देखिए हर इंसान के अंदर एक हक और बातल की जंग चलती है, कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा हक के रास्ते पे चलते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, प्लायबल इज सेम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। ठीक है, जब वो डिफिकल्टीज फेस करता है इन स्लॉ डेस्पोंड इस जगह के ऊपर, तो वो जो है रिट्रीट कर जाता, पीछे हट जाता। तो मोस्टली हम लोग जब हक के रास्ते पे चलते हैं तो हम जो है प्लायबल जो है वो जो है इन डिफिकल्टीज को जब हम फेस करते हैं तो क्या होता है कि हम हक के रास्ते से फिर पीछे हट जाते हैं, यानी कि हम दीन का रास्ता, वो कहते हैं मुश्किल है और हर इंसान चाहता है कि वो दीन के रास्ते पे चले, लेकिन कुछ लोग प्लायबल बेसिकली एक ऐसा इंसान जो हक और रास्ते, हक और बातिल के दरमियान डगमगा रहा है, तो वो डगमगाने वाला इंसान है जो थोड़ी सी दीन के रास्ते में हर्डल्स देके एकदम घबरा जाता है और वो वापस पलट जाता है। क्रिश्चियन अलोन गोज ऑन, देन ही इज ओवरटेकन बाय अ नेबर फेथफुल। ठीक है, वो क्रिश्चियन जो है फिर आगे अकेला जाता है, लेकिन फिर उसको एक नेबर मिलता है, उसका एक साथी मिलता है जिसका नाम फेथफुल होता है। दे टू कंटिन्यू दर जर्नी टूगेदर थ्रू मैनी एडवेंचर। अब प्लायबल तो भाई पीछे हट गया और फेथफुल आ गया आगे, और ये दोनों कंटिन्यू करते हैं जर्नी टूगेदर थ्रू मैनी एडवेंचर, इंक्लूडिंग द ग्रेट स्ट्रगल विद अपोलियन रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड, और इंक्लूडिंग द ग्रेट स्ट्रगल विद अपोलियन, अपोलियन के साथ जो ग्रेट स्ट्रगल होती है, जो कि रूलर ऑफ द वर्ल्ड है, वो जो है डिफरेंट एडवेंचर से गुजरते हैं। देन दे कम टू वैनिटी फेयर वेयर फेथफुल इज टॉर्चर्ड टू डेथ बाय जज हेट गॉड। फिर जो है वो कहाँ आते हैं, वैनिटी फेयर, ये भी एक जगह का नाम है जहां पे ये लोग आते हैं, जाके जहां पे फेथफुल को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि उसकी मौत वाकई हो जाती है, बाय जज हेट गॉड, जो वहां पे जो जज हेट गॉड होता है वो इसको कल कर देता है। एंड एट लास्ट दे रीच द सेलेस्टियल सिटी एंड एंटर टू द एंजॉय एटर्नल लाइफ। अब जो है एट लास्ट वो दोनों जो है वो रीच करते हैं कहाँ, सेलेस्टियल सिटी में, और एंटर हो जाते हैं, यानी कि वो उसको इतना तंग करता है कि वो बस मौत के करीब पहुंच जाता है, लेकिन ये दोनों जो है सेलेस्टियल सिटी तक पहुंचते हैं, एंटर टू एंजॉय एटर्नल लाइफ, ताकि वो एटर्नल लाइफ को एंजॉय कर सके। दैट एंड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक। द सेकेंड पार्ट डिस्क्राइब द पिलग्रिमेज ऑफ क्रिश्चियन वाइफ
क्रिस्टियाना, हर चिल्ड्रन एंड टू नेबर्स। अब पहली कहानी में क्या होता है कि इसके बीवी बच्चे पीछे रह जाते हैं, ये और इसका एक दोस्त जो फेथफुल होता है, वो दोनों एंटर कर जाते हैं सेलेस्टियल सिटी में। अब पीछे रह जाती है इसकी बीवी और उसके बच्चे। सेकेंड बुक के अंदर जो है, सेकेंड पार्ट जो है बुक का, वो डिस्क्राइब करता है पिलग्रिमेज जो कि उसकी क्रिश्चियन वाइफ, क्रिश्चियन की वाइफ का है, क्रिस्टियाना और उसके बच्चे और दो नेबर्स। दे ऑल्सो गो थ्रू वेरियस एडवेंचर बट एवेंचुअली रीच देयर डेस्टिनेशन सक्सेसफुली। The book The Pilgrim's Progress is a faithful panoramic reflection of England in the 17th century. It is strongly realistic. ठीक है, 17th century book है. Firstly, the character in the book impress the reader like real person. Secondly, the places that Christian meet on the way are English scenes. Thirdly, the book is written in the simple and lively prose style and the conversation vividly repeat the language of the time. अब इसके अंदर क्या है, पहली बात ये कैरेक्टर्स रियल पर्सन्स को शो करता है, सेकेंडली क्रिश्चियन जो है वो अपने ऑन द वे इंग्लिश सीन से, मतलब हम वहाँ पे इंग्लिश सीन्स देखते हैं, और थर्डली बुक जो है वो सिंपल और लाइवली प्रोज स्टाइल में लिखी गई है, कन्वर्सेशन जो है हमें उस वक्त की याद दिलाती है। Fourthly, the most significant aspect of book is the satires which are centered on the ruling class. और fourthly, जो most significant aspect of book है वो क्या है, वो उसकी satires हैं जो कि which are centered on the ruling class, जो कि centered है on ruling class. Some of Christian's unfortunate experiences are just the symbolic pictures of London at the time of restoration. और कुछ जो है Christian's unfortunate experiences हैं जो कि जस्ट सिंबॉलिक पिक्चर्स हैं लंदन की एट द टाइम ऑफ रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन के टाइम पे जो पिक्चर्स है लंदन की, वो वैनिटी फेयर इज जस्ट लंदन, और वैनिटी फेयर जो है जो सिटीज के अंदर लोकेशन दिखाई गई है वो लंदन है एट बनियान्स टाइम, वेयर ऑल द थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड, जहाँ पे तमाम चीजें खरीदी और बेची जाती है, इंक्लूडिंग ऑनर्स, टाइटल्स, लाइव एंड अदर्स, एंड वेयर चीटिंग एंड रॉबरी, मर्डर्स एंड एडल्ट्री आर नॉर्मल। और जहाँ पे चीटिंग, रॉगरी, धोखेबाजी, मर्डर, कत्ल कर देना, एडल्ट्री, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। और ये जॉन बनियान स्टैचू है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन क्या है यहाँ पे, द फॉलोइंग एक्सपर्ट इज फ्रॉम चैप्टर 6 बुक 1 व्हिच इज परहैप्स द बेस्ट नोन एपिसोड इन द बुक। इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ वैनिटी फेयर एंड एन अकाउंट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ क्रिश्चियन एंड हिज कंपेनियन फेथफुल। बनियान कैरेक्टरिस्टिकली turns one of the most familiar institution in contemporary England, annual fairs into an allegory of universal spiritual significance. अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे सामने excerpt आ रहा है, ये contain करता है description of vanity fair को, ठीक है, कि vanity fair is representing the city of England को वो show कर रहा है, London को वो show कर रहा है, और फिर अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ क्रिश्चियन, ठीक है, एक अकाउंट है एक्सपीरियंस ऑफ क्रिश्चियन और उसके कंपेनियन फेथफुल का, कि एक बुरे शहर के अंदर पहले तो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, देन वैनिटी फेयर एंड फाइनली द सेलेस्टियल लैंड, जहाँ पे वो सेलेस्टियल सिटी जहाँ पे ये लोग पहुंचते हैं। तो बनियान जो है यहाँ पे क्या कैरेक्टराइज करता है, टर्न्स वन ऑफ द मोस्ट फैमिलियर इंस्टीट्यूशन ऑन कॉन्टेम्पोरेरी इंग्लैंड, ठीक है, और वो जो है हमारी जो है एक तरह से तवज्जो देता है, या टर्न्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूशंस, जो वहाँ पे उनकी टीचिंग इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, वहाँ की टीचिंग्स या वो वहाँ की जो ट्रेडिशंस थी इन कॉन्टेम्पोरेरी इंग्लैंड, कॉन्टेम्पोरेरी कहते हैं हम असर उस दौर का जो इंग्लैंड था, एनुअल फेयर्स जो थे वो वहाँ पे वो दिखाता है, इनटू एन एलेगरी ऑफ यूनिवर्सल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, जो कि एक एलेगरी है यूनिवर्सल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को वो शो करती है। द विविड पिक्चर ऑफ वैनिटी फेयर इज अ बिटिंग सटायर ऑन द इंग्लिश सोसाइटी। और वो जो उसने वैनिटी फेयर की एक जो है बाइटिंग सटायर दिखाई है, वो जो है बिटर सटायर दिखाई है, इसको बाइटिंग तो नहीं आप करें, इसको बिटर सटायर करते हैं, बिटर सटायर जो है उसने इंग्लिश सोसाइटी पे शो किया है थ्रू वैनिटी फेयर। ये जनाब ईच टाइटल इज एन इन डेप्थ Bible study, The Pilgrim Progress in Modern English, ये जनाब इसका टाइटल है। अब ये देखें, ये उसका एक छोटा सा इक्तबास है, एक्सर्प्ट है। Then saw in I saw in my dream, then when they were got out of
वाइल्डनेस दे प्रेजेंटली सॉ अ टाउन बिफोर देम. जब वो उस वाइल्डनेस से गुजरते हैं, सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से निकलते हैं, तो वो अपने सामने एक टाउन देखते हैं. द नेम ऑफ टाउन इज वैनिटी फेयर. पहले वो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से अपना रास्ता शुरू करते हैं और फिर वो एक टाउन देखते हैं जिसका नाम वैनिटी होता है. एंड द टाउन देयर इज अ फेयर कैप्ट कॉल्ड वैनिटी फेयर. और वहां पे टाउन के अंदर क्या होता है, एक फेयर रहती है, एक फेयर कैप्ट फेयर था जो है वो वहां पे होता है, दैट कॉल्ड वैनिटी फेयर. इट कैप्ट ऑल द ईयर लॉन्ग. और ये सारा साल जो है ये फेयर जो है, ये जो फेयर बेसिकली कहते हैं ये जो मेले होते हैं ना, ठीक है, तो कॉल्ड वैनिटी फेयर. इट इज कैप्ट ऑल ईयर लॉन्ग, सारा साल ये चलता रहता है. इट ब्रीथ द नेम ऑफ वैनिटी फेयर. इस वजह से इसको ब्रेथ द नेम ऑफ वैनिटी फेयर, इस वजह से उस सिटी को वैनिटी फेयर कहा जाता है. बिकॉज द टाउन वेयर इट कैप्ट इज लाइटर देन वैनिटी. क्योंकि ये जो वैनिटी बेसिकली किसे कहते हैं, तकब्बुर को कहते हैं, ठीक है, वैनिटी फेयर. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑल देयर सोल्ड और दैट कमेथ देयर इज वैनिटी, ठीक है. और फेयर किसे कहते हैं, एक ऐसा मेला, एक जैसे हम कहते हैं ना इतवार बाजार लगता है छोटे छोटे शहरों में, ठीक है, तो ये भी वो फेयर एक मार्केट प्लेस थी, वैनिटी फेयर, तो जहां पे हर चीज बाय एंड सेल होती थी. यहां तक के और वैनिटी बेसिकली आपको पता ही, तकबर को कहते हैं, एरोगेंस को कहते हैं, तो ये वैनिटी फेयर. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑल देयर इज सोल्ड और दैट कमेथ, कि यहाँ पे हर चीज बेची और खरीदी जाती थी, दैदर इज वैनिटी. और वो बेसिकली क्या थी, वैनिटी की बेस पे थी. एज इज सेइंग ऑफ वॉइस, ऑल दैट कमेथ इज वैनिटी. और ये किसी वॉइस की सेइंग है कि जो भी चीज आती थी यहाँ पे वो वैनिटी ही होती थी. द ऑथर नोट्स द ऑथर हिमसेल्फ, नंबर वन आई सॉ, और नंबर टू जो है यहाँ पे देवर क्रिश्चियन और उसका फ्रेंड था, ये बिरेथ बेयर्स को कहते हैं, उन्होंने बर्दाश्त किया. ये क्रिश्चियन और फेथफुल जो है एंटर करते हैं वैनिटी फेयर. द फेयर इज नो न्यू इरेक्टेड बिजनेस बट अ थिंग ऑफ एंशियंट स्टैंडिंग. इट विल शो यू द ओरिजिनल ऑफ इट. ऑलमोस्ट 5000 ईयर एगोन देयर वर एगोन, मीन के एगो ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ ना, इसलिए एगोन है. देयर वर पिलग्रिम्स वॉकिंग टू सेलेस्टियल सिटी. As these two honest persons are the Beelzebub, Apollyon and Legion, with their companion perceiving by the path that pilgrim made that their way to city lay through the town of vanity, they contrived here to set up a fair wherein should be sold all sorts of vanity that it should last all the years long ago. अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि वो कहता है कि दिस फेयर इज नो इरेक्टेड बिजनेस. कोई ये इरेक्टेड बिजनेस नहीं था, कोई अपराइट बिजनेस नहीं था. इरेक्टेड कहते हैं अपराइट को. नो न्यू इरेक्टेड बिजनेस बट अ थिंग ऑफ एंशियंट स्टैंडिंग, बल्कि वो कुछ एंशियंट स्टैंडिंग थी. इट विल शो यू द ओरिजिनल ऑफ इट, जो कि आपको उसका ओरिजिनल ओरिजिन शो करे. ओरिजिनल यहाँ पे ओरिजिन को कहा जा रहा है, जो कि उसके अपने ओरिजिन शो कर रहा था. ऑलमोस्ट 5000 ईयर एगो, 5000 साल पहले के ये जो स्टैचूज थे, they were pilgrims walking to celestial city. वो जो statues के बारे में बता रहा है, जो कि वहाँ पे दिखाए गए vanity fair के अंदर, कि वो pilgrims थे जो कि celestial city में walk कर रहे थे. यानी कि वो बता रहा है कि वो इस तरह के statues थे, ठीक है, ancient standings थी वहाँ पे. as these two honest persons are, और वहाँ पे जैसे कि ये दो persons थे, यानी कि मतलब ये faithful और Christian, और फिर क्या थे, persons are, and उनके किस किस के स्टैच्यूज थे, बेल्जिबब के, अपोलियन के और लेगियन के. और बेल्जियम, अपोलियन और लेगियन कौन थे, दीज आर द फेलोज ऑफ सैटर्न. और ये बेसिक यूनिट, मतलब ये जो है लेगियन इज द बेसिक यूनिट आर्मी ऑफ रोमन, ठीक है. और लेगियन क्या था, बेल्जिबब और अपोलियन तो ये चीले थे शैतान के, ठीक है, उसका वहां पे स्टैच्यू उन्होंने देखा. और लेगियन ये बेसिक आर्मी यूनिट ऑफ रोमन था, ठीक है, विद देयर कंपेनियन परसीविंग बाय द पाथ दैट पिलग्रिम्स मेड, जो कि आगे जा रहे थे, मतलब वो स्टैच्यूज जो रिप्रेजेंट करते थे, तो परसीविंग द पाथ दैट पिलग्रिम्स मेड, ठीक है, दैट देयर वे टू सिटी ले थ्रू देयर ओन वैनिटी. और ये सिटी जो था, मतलब इन स्टैच्यूज से पता चलता था ये पूरे का पूरा तकब्बुर से भरा हुआ है, वैनिटी से भरा हुआ है, एरोगेंस से भरा हुआ है. एंड दे, यानी कि कौन, बेल्जिबब, अपोलियन और लेगियन जो है, कंट्रीव हियर टू सेट अप अ फेयर.
और वो यहाँ पे रखे गए थे ताकि वहां पे एक फेयर हो सके, यानी कि वहां पे एक मार्केट प्लेस थी, फेयर था, मेला था, वहां पे एज अ गॉड्स उनको रखा गया था, अ फेयर वेयर इन शुड बी सोल्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ वैनिटी। एक ऐसा ऐसा बाजार, एक ऐसा वैनिटी फेयर जहाँ पे हर तरह की वैनिटी जो है सोल्ड हो सकती थी, हर तरह की बुराई सोल्ड हो सकती थी, दैट शुड एट लास्ट शुड लास्ट ऑल ईयर लॉन्ग, जो कि कई सालों से यहाँ पे ये बुराई चल रही है। ये जनाब बेल्जेबब है। सैटर्न के बाद जो सेकंड चीला है वो बेल्जेबब है, ठीक है, और उसके बाद ये अपोलियन है, और उसके बाद ये लेगियन, यानी कि ये रोमन आर्मी, और ये सारे अमेरिकन लेगियंस राइडर्स जो है वो अमेरिकन राइडर, ये बेसिकली इनको शो कर रहा है, ठीक है, ये अमेरिकन लेगियंस राइडर्स हैं और सन्स ऑफ द अमेरिकन लेगियन, ये अमेरिकन आर्मी के ऊपर सटायर किया गया। देयरफॉर एट दिस फेयर ऑल सच मर्चेंडाइज सोल्ड एज हाउसेस, लैंड, ट्रेड, प्लेसेस, ऑनर, परफॉर्मेंस, टाइटल्स, कंट्रीज, किंगडम्स, हर तरह की लस्ट, प्लेजर, हर चीज यहाँ पे, डिलाइट्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स एज वॉर्स, वॉर्स, वाइव्स, हस्बैंड, चिल्ड्रन, मास्टर सर्वेंट्स, लाइफ, ब्लड, बॉडीज, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड व्हाट नॉट, हर चीज यहाँ पे सेल हो जाती थी। एंड मोर ओवर एट दिस फेयर देयर इज ऑल टाइम टू बी सीन जगलिंग, चीट्स, गेम्स, प्लेस, फूल्स, एप्स, नेव्स, रॉक्स एंड दैट ऑफ ऑल काइंड। अब यहाँ पे देखिए वो बताता है कि इंसान जब किसी सेलेस्टियल सिटी के रास्ते में जाता है तो रास्ते में शैतान आता है, जब आप हक के रास्ते पे चलते हैं तो रास्ते में शैतान आता है। दुनिया एक ऐसा बाजार है जहाँ पे हर चीज बिक जाती है। लोगों की कंसर्न्स क्या है, ये जो टाइटल्स हैं बेसिकली दीज आर द कंसर्न ऑफ द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिनका हमारा कंसर्न क्या है कि हमारे पास टाइटल्स हो, ऑनर हो, पैसा हो, वेल्थ हो, कंट्रीज हो, सेंस ऑफ अथॉरिटी जो है इंसान के अंदर बहुत ज्यादा है, लस्ट है, प्लेजर्स है। अब ये सारी सॉर्ट ऑफ डिलाइट्स, इंसान जो है वो डिलाइट्स में पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये दुनिया भरपूर है जगलिंग से, चीट से, गेम से, और हम हंसी मजाक में पड़े हुए हैं। आजकल भी देखें कितने मीम्स आपको मिलेंगे, हर चीज पे मीम बन जाता है, यानी कि दुनिया हमारे लिए अब हंसी मजाक है और कुछ भी नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। वैनिटी फेयर इज अ सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन इन इट्स गाला ड्रेस, ठीक है, ये वैनिटी ऑफ फेयर है जिसको सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जा रहा है। एक मेला, एक गाला, ठीक है, गाला आपको पता ही है मेले को कहते हैं, और यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रक्शन इन इट्स गाला ड्रेस इन इट्स मोस्ट सेडक्टिव सेंसुअल, जहाँ पे गाला ड्रेस पहना जाता था, इन इट मोस्ट सेडक्टिव सेंसुअल एल्यूरमेंट्स, इट इज द वर्ल्ड इन विच मिनिएचर विद इट्स वेरियस टेम्पटेशन। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसके अंदर वर्ल्ड इज मिनिएचर, एक छोटी सी दुनिया जिसकी बहुत सी टेम्पटेशन थी, यानी कि दुनिया जो है इंसान को एक धोखे की चीज है जो टेम्प्ट करती है, अट्रैक्ट करती है। इट इज सैटर्न थीम पार्क, ये सैटर्न थीम पार्क था एंड वर्ल्ड ऑफ कार्नल ड्रीम्स, और वर्ल्ड ऑफ कार्नल ड्रीम्स थी जो कि फुल ऑफ प्लेजर्स थी, ठीक है, एक प्लेजरेबल दुनिया जो कि टेम्प्ट करती है इंसान को। उसके बाद यहाँ पे आपको ये मिडीवल फेयर दिखाया जा रहा है कि कैसे 17th century मार्केट इस तरह की हुआ करती थी, और ये रिवर थेम्स है जनाब, हेयर आर टू बी सीन टू दैट फॉर नथिंग थेफ्ट मर्डर एडल्ट्री फॉल्स स्विवर्स, ठीक है, झूठी कस्में उठाई जाती थी, झूठी गवाहियां दी जाती थी, एंड दैट ऑफ गोल्ड रेड कलर, एंड एज इन अदर फेयर ऑफ लेस मोमेंट देयर आर द सेवरल रोज एंड स्ट्रीट अंडर देयर प्रॉपर नेम्स सच वेयर्स आर वेंडेड। उसके बाद सो हियर लाइकवाइज यू हैव द प्रॉपर प्लेसेस, रोज, स्ट्रीट्स, कंट्रीज, किंगडम्स, वेयर द वेयर्स ऑफ दिस फेयर आर सूनेट्स टू बी फाउंड, हियर इज ब्रिटेन रो, द फ्रेंच रो, द इटालियन रो, द स्पेन रो, द जर्मन रो, वेयर सेवरल सॉर्ट ऑफ वैनिटीज आर टू बी सोल्ड, शॉर्टेड फॉर्म फॉर वेडलिसिटिन इज लैटिन, ठीक है, शॉर्टेड फॉर्म फॉर वेडलिसिट जो है वो एक्चुअली लैटिन है, यहाँ पे वेडलिसिट लिखा हुआ है, और सूनेस्ट अर्लीस्ट को कहते हैं, ये तो खैर आप लोगों को पता ही होगा। दिस इज ट्रूली अ वर्ल्ड वर्ल्ड फेयर विद सेंट्रल कल्चरल डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ पर्पस, और ये वर्ल्ड जो है ये वर्ल्ड फेयर क्या था, विद कल्चरल डाइवर्सिटी। एक्चुअली हम लोग जो है ट्रेडिशंस में पड़ गए हैं, कल्चर में पड़ गए हैं, और हम रिलीजन को भूल गए हैं। हमारी हर चीज़ के अंदर ट्रेडिशन है, शादी ऐसे करनी है, मरना ऐसे है, जनाजा ऐसे करना है, उसमें रिलीजन तो है ही नहीं ना,
उसमें बेसिकली क्या है, हमारी अपनी ट्रेडिशन है, कल्चरल डाइवर्सिटी में हम पढ़ गए, हम लोग डाइवर्स कर गए, हमारे अंदर यूनिवर्सिटी नहीं है, हम लोग जो है एक यूनिटी नहीं है, ठीक है, यूनिटी ऑफ पर्पस नहीं है. यूनिटी ऑफ पर्पस कब आता है इंसान के अंदर? इंसान जब एक दीन को फॉलो करना शुरू कर देता है, एक रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर देता है, तो तब उसके अंदर यूनिटी ऑफ पर्पस आता है. जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से तामे रखो, तफरके में ना पड़ो. तो यूनिटी ऑफ पर्पस तब तक नहीं हो सकता जब तक हम एक रस्सी के नीचे नहीं आते. और फिर क्या होता है, जब हम यूनिटी ऑफ पर्पस पे नहीं आते, फिर हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिशंस में पड़ जाते हैं, हम डाइवर्सिटीज में पड़ जाते हैं, हम दुनिया के अंदर पड़ जाते हैं. तो ये सारी चीजें उसने यहाँ पे दिखाई है. मेनी डिस्टिंक्टिव नेशनल डिस्प्लेज, एक्सोटिक कुजाइन एंड डेलिकेसीज फ्रॉम ऑल ओवर आर एग्जिबिटेड टू मैक्सिमम अपील. But as in other fairs, some one commodity is as the chief of all the fairs, so the fair of Rome and her merchandise is greatly promoted in this fair. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, some one commodity is the chief of all fairs, so the fair of Rome. ठीक है, और यहाँ पे क्या था कि fair of Rome और उसके merchandise, यानी कि उसकी जो army और उसके merchandise जो है वहां पे greatly promote किए गए थे in this fair. Only our English nation with some other have taken a dislike threat. सिर्फ हमारी English nation थी जिसको threat किया गया था, किससे? Roman armies के through. The wear of Rome and her merchandise. War, यानी कि army of Rome और उसके जो merchandise थे, the goods of Roman Catholic Church and her trade. अब ये Catholic Church को ही हर कहा जा रहा है, ठीक है? The goods of Catholic Church और उसकी जो trade. Implying that within the Roman Catholic Church there was much corruption, के Roman Catholic Church के अंदर बहुत ज़्यादा corruption है, and that many things are bought and sold there, ठीक है? और ये promoted, publicized in order to sell only our English nation, with some other have taken a dislike threat, our English nation, with some other have disapproved of the wear of Rome, referring to the separation of Anglican Church from Roman Catholic Church. Roman Catholic Church is basically मतलब जो कैथलिक्स हैं बेसिकली वो जो है न्यू टेस्टमेंट को मानते हैं. एंजेलिकन चर्च बेसिकली प्यूरिटन्स को कहा जाता है. प्यूरिटन्स जो है वो थ्री गॉड कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, ठीक है? एंजेलिकन चर्च जो है वो थ्री गॉड कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, वो कहते हैं सिर्फ एक अल्लाह से मांगो. और रोमन कैथलिक चर्च जो है वो ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करता है, ठीक है? और ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट आपको पता है कि क्या है, दैट इज बेसिकली द गॉड, द जीसस एंड द होली स्पिरिट, जिसको हम जिनको हम गब्रेल भी कहते हैं, और हम बीइंग अ मुस्लिम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं. तो वो रोमन कैथलिक्स जो है इन तीनों को एक्चुअली वो पूछते हैं, लेकिन एंजेलिकन चर्च जो है वो डिफरेंट है रोमन. तो ये थ्रेट एट द वेयर ऑफ रोम एंड हर मर्चेंटाइज, ये जी रोमन कैथलिक चर्च है, ये देखें इसमें, ये देखें इन्होंने थ्री गॉड्स बनाया हुआ ना, तो ये जीसस फादर एंड द जो इन्होंने स्पिरिट बनाया हुआ, ये कैथलिक चर्च है. नाउ एज आई सेड द वे टू सेलेस्टियल सिटी लाइज जस्ट थ्रू दिस टाउन वेयर लस्टी फेयर इज कैप्ट, ठीक है? अब वो कहते हैं इस सेलेस्टियल सिटी के रास्ते में, यानी कि इंसान जब नेक रास्ते पे चलता है, जन्नत के रास्ते पे चलता है, तो दुनिया उसको जो है वो अट्रैक्ट करती है. एंड ही दैट विल गो टू द सिटी येट नॉट गो थ्रू हिज टाउन मस्ट नीड गो आउट ऑफ द वर्ल्ड. द प्रिंस ऑफ प्रिंसेस हिमसेल्फ वेयर देयर वेंट थ्रू हिज टाउन टू हिज कंट्री दैट अपॉन अ फेयर डे टू, ठीक है? और जो प्रिंस ऑफ प्रिंसेस है, ठीक है, प्रिंस ऑफ प्रिंसेस यहाँ पे किसको कहा जा रहा है? जीसस ऑफ क्राइस्ट को कहा जा रहा है, ठीक है? अब वो यहाँ पे क्या कहता है, वो कहते हैं जब भी हम सेलेस्टियल सिटी की तरफ जाएंगे हमें इस लस्टी टाउन से गुजरना पड़ेगा, जहाँ पे ये लस्टी फेयर जो है मेला लगता है, और दैट विल गो टू द सिटी, और वो वही रास्ता है जो आपको सिटी की तरफ, येट नॉट गो थ्रू दिस टाउन मस्ट नीड टू गो आउट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? और जिसको इस रास्ते से नहीं गुजरना उसको इस दुनिया से जाना पड़ेगा. द प्रिंस ऑफ प्रिंसेस हिमसेल्फ When here went through this town to this country, और Jesus Christ की बात हो रही है, जब वो यहाँ से गुजरे थे तो उनको भी यहीं से गुजरना पड़ा था अपने रास्ते में. Then upon a fair day too, ye and I think, ye का मतलब है कि yes, moreover, I think it was
बेल्जिबब द चीफ लॉर्ड ऑफ द फेयर. बेल्जिबब बेसिकली शैतान के चीले को कहा जाता है, ठीक है, और दैट इन्विक्टेड हिम टू बाय ऑफ हिज वैनिटीज, जिसने उसको इन्विक्ट किया था कि वो ये वैनिटीज जो है वो बाय करे, यानी कि वो यही लास्ट और ये सारी चीजें. द वैनिटी प्लानिंग कमीशन हैज गोन टू ग्रेट लेंथ्स टू इंश्योर दैट ट्रांजिएंट पिलग्रिम्स आर कंपेल्ड टू एक्सपीरियंस द फुल फोर्स ऑफ फेयर फेयर बिविचिंग डिस्प्ले. ऑल पिलग्रिम मस्ट एनकाउंटर वैनिटी फेयर. जितने भी पिलग्रिम्स होते हैं उनको ये वैनिटी फेयर जो है वो एनकाउंटर करना पड़ेगा. ही वुड हैव मेड हिम लॉट ऑफ फेयर वुड ही बट हैव डन हिम रिवर्स एज ही वेंट थ्रू द टाउन. ठीक है, अब वो यहाँ पे कहते हैं ये यस वुड हैव मेड हिम लॉट ऑफ फेयर. ठीक है, कि उसको किसको, द सब्जेक्ट ऑफ इट इज द प्रीवियस दैट. ठीक है, कि उसी को इस लॉर्ड बनाया गया है. यस वुड हैव मेड हिम लॉर्ड ऑफ फेयर, किसको, बेल्जिबब को लॉर्ड ऑफ फेयर बनाया गया. ठीक है, यानी कि शैतान को लॉर्ड ऑफ फेयर बनाया गया. वुड ही बट हैव गॉन हिम रिवर्स एज वेंट थ्रू द टाउन. ये बिकॉज ही वॉज सच अ पर्सन ऑफ ऑनर बेल्जिबब हैड हिम फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट. क्योंकि वो एक सच्चा पर्सन ऑफ ऑनर था तो बेल्जिबब उसको स्ट्रीट से स्ट्रीट लेके जाता है, किसको, जीसस क्राइस्ट को, एंड शोड हिम ऑल किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड इन लिटिल टाइम. और इतनी छोटी सी वक्त में उसको तमाम किंगडम्स दिखाता है, दैट ही माइट इफ पॉसिबल अलर्ट द ब्लेस्ड वन, कि शायद बेल्जिबब जो है वो जीसस क्राइस्ट को उनके रास्ते से हटा देता टू द चीपन, कि वो चीप रास्ते को इख्तियार करें बाय सम ऑफ द ऑफिस वैनिटीज. शायद वो जो है बाय कर लेते सम ऑफ हिज वैनिटीज, यानी कि जीसस क्राइस्ट को भी रास्ते से हटाने के लिए बेल्जिबब ने बड़ी कोशिश की. बट ही हैड नो माइंड टू मर्चेंडाइज एंड देयरफॉर मर्चेंडाइज, यानी कि उनका कोई तिजारत करने का या स्पेंडिंग करने का कोई मूड नहीं था. देयरफॉर लेफ्ट टाउन विदाउट लेइंग आउट सो मच ऑफ हार्डनिंग अपॉन दीज वैनिटीज. ठीक है, वो इन वैनिटीज से दूर भागे. दिस फेयर देयरफॉर इज एन एंशियंट थिंग ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड अ वेरी ग्रेट फेयर. Now these pilgrims, as I said, must need go through this fair. So they did. But behold, even as they entered into the fair, all the people in the fair were moved and town itself, as it were in hubbub about them. And that for several reasons. For hubbub, इसको disturbance को कहा जा रहा है. और वो कहता है कि several reasons की वजह से वो यहाँ से move कर गए. ठीक है, पहली बार पहली चीज pilgrims जो है वो clothed they with such kind of raiment. Raiment कहते हैं clothes को. As was diverse from the raiment of any, मतलब उन pilgrims वाला उन्होंने लिबास पहना हुआ था. As was the diverse from the raiment of any that traded in that fair, the people therefore of the fair made a great gazing upon them. ठीक है, इस वजह से लोग जो है ना बहुत गौर से उनको देख रहे थे कि इन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं. Some said they were fools, some they were bedlams. कुछ ने कहा ये तो पागल हैं, कुछ ने उनको bedlams कहा यानी कि madmen कहा. Some they are outlanding fish men, outlandish men. और कुछ ने उनको कहा कि ये तो भाई कोई foreigners हैं बाहर से उठ के आ गए. Secondly, and as they wondered at their proposal, यानी कि Christian और faithful जो है जब वो उस city में enter हुए तो वो बड़े हैरान हुए at their apparel. So they did likewise their speech for few understanding what they said. लेकिन कुछ में उनमें से ऐसे थे जो कि उनके अल्फाज पे ध्यान देने लगे और उनको उनकी बातें अच्छी लगने लगी. The pilgrims made no attempt to accommodate themselves to worldly ways of vanity fair. ठीक है, और pilgrims ने कहीं से भी अपने आप को accommodate नहीं किया कि वो worldly ways of vanity fair को follow करते हैं. ठीक है, कि वो इस दुनियावी तरीकों को फॉलो करते इवन अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग थ्रू देयर कल्चर. यहाँ तक कि उन्होंने अपना कल्चर भी जो है उसका प्रीटेक्स्ट उन्होंने उसको भी फॉलो नहीं किया. ठीक है, कुरान मजीद में है ना कि तुम अपने आबाओ अजदाद को फॉलो करते हो. ठीक है, तो हम अपने आबाओ अजदाद अपनी ट्रेडिशंस के हमारे माँ बाप दादा नाना ने तो ऐसे किया था तो हम कैसे उस रास्ते को छोड़ दें. तो यहाँ पे वो कहता है कि उन्होंने तो अपने ट्रेडिशंस को की तरफ भी नहीं देखा. दे नेचुरली स्पोक द लैंग्वेज ऑफ कैनान बट दे कैप्ट दैट कैप्ट द फेयर वर्ड द मैन ऑफ वर्ड सो दैट फ्रॉम वन एंड ऑफ द फेयर टू द अदर दे सीम बारबेरियस ईच टू अदर. कैनान क्या है, द प्रोमिस लैंड अल्टीमेटली कंकर्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल. ठीक है, बनी इसराइल ने जीती थी यानी कि इसराइलिटीज को कहा जा रहा है एंड सेटल्ड बाय देम. Hence the pilgrims speak the language of Bible.
और पिलग्रिम्स जो हैं वो लैंग्वेज ऑफ बाइबल बोल रहे थे एंड द ट्रू रिलीजन गॉड्स विजडम इज मास्टरी विच नो वन इन वैनिटी फेयर अंडरस्टैंड, जो कि वहां पे दे सीम बारबेरियंस, के वो ऐसे लग रहे थे पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हैं बारबेरियंस। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चली जाऊँ एक अफ्रीका में चली जाऊँ तो अफ्रीकन्स को हम बारबेरियंस लगेंगे क्योंकि उनको हमारी कोई बात समझ ही नहीं आ रही। तो वैनिटी फेयर में जब वो जो है लैंग्वेज ऑफ कैनान बोलते हैं वहां पे, जो कि एक बाइबलिकल लैंग्वेज है, तो वहां के लोग बड़े हैरान होते हैं कि ये पता नहीं कौन से बारबेरियंस आ गए। थर्डली बट वट that which did not little amuse the merchandisers was that these pilgrims set very light by all their wares. और तीसरी चीज ये कि क्या चीज amuse की उन वहाँ पे जो traders आए हुए थे, merchandisers आए हुए थे वहाँ पे, तो वो उनको क्या उनके लिए amusement क्या थी, was that pilgrims were very light by all, कि वो जो है हर तरीके से वो रिगार्ड दे एज वैल्यूलेस, ठीक है, ऑल देयर वेयर्स, ठीक है, वेरी सेट लाइट, उनको किसी ने वहां पे वैल्यू नहीं किया, दे केयर नॉट सो मच एज टू लुक अपॉन देम, ठीक है, जिस तरीके से वो उनको देख रहे थे इतनी ज्यादा उन्होंने उनकी केयर नहीं की। यानी कि ये कैनान सिटी ऑफ कैनान है, ये जनाब कैनान है बेटा, ये रिवर है जॉर्डन है और ये द सी ऑफ गैलीला है, डेड सी है, मॉब है और ये कैनान है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। एंड इफ दे कॉल्ड अपॉन देम टू बाय दे वुड पुट देयर फिंगर इन देयर इयर्स, ठीक है, और अगर वो उनको कहते कि ये बाय कर लो तो वो अपने वो जो ट्रेडमैन थे वो अपने कानों में उंगलियां डाल देते थे एंड क्राई टर्न अवे माइन आईज फ्रॉम बीहोल्डिंग वैनिटी, और वो क्या कहते थे, वो चीखते थे टर्न अवे, मतलब यहाँ से टर्न अवे कर लो के फ्रॉम बीहोल्डिंग वैनिटी, के मेरी आंखें जो हैं ये वैनिटी नहीं बीहोल्ड करेंगी, एंड लुक अपवर्ड्स और ऊपर की तरफ देखने लग जाते थे, सिग्निफाइंग दैट देयर ट्रेड एंड ट्रैफिक वाज इन हेवन, जब वो ऊपर की तरफ देखते थे तो क्यों देखते थे, कि उनकी ट्रेड और ट्रैफिक जो है वो हेवन को शो करती है। वन चांस मॉकिंगली बीहोल्डिंग द कैरिएजेस ऑफ द मैन टू से अप टू देम व्हाट विल ये बाय, बट दे लुकिंग ग्रेटफुली gravely upon him answered we buy that truck, ठीक है, और वो उनका असल जो मकसद था वो क्या था, उनका असल मकसद जो था कि वो one chance mockingly beholding the carriages of the men to say unto them, ठीक है, और एक chance mockingly जो कि वहां पे behold कर रहे थे carriages of men को, वो क्या कह रहे थे उनको, what will ye buy, इन्होंने भाई क्या खरीदना है, मतलब वो उनका मजाक उड़ा रहे थे। But they looking gravely upon him, लेकिन वो gravely उसके ऊपर देख रहे थे, answered we buy the truth, और वो जो pilgrims थे वो उनको कहते थे कि हम तो यहाँ पे truth buy करने आए हैं और तुम्हारे बाजार में तो truth मिलता कोई नहीं है। And that there was an occasion taken to despise the men, the more some mocking, some taunting, some speaking, reproaching and some calling upon others to smite them. At last thing came to hubbub, यानी कि हर चीज जो है वो एक हैपजेड पोजीशन में थी, एंड ग्रेट स्टर इन द फेयर, और बहुत ज्यादा फेयर के अंदर उस मेले के अंदर एक ग्रेट स्टर हुआ, यानी कि हर चीज हैपजेड हो गई, इन सो मच दैट ऑल ऑर्डर वाज कंफाउंडेड, कि तमाम जो ऑर्डर था वहां की ऑर्गेनाइजेशन वो सारी हर चीज जो है हैपजेड पोजीशन में होगी। नाउ वाज द वर्ड प्रेजेंट की बॉट टू ग्रेट वन ऑफ द फेयर, ठीक है, अब जो है ग्रेट वन द चीफ लॉर्ड ऑफ द फेयर की बात हो रही है, हु क्विकली केम डाउन एंड डिप्यूटेड सम ऑफ हिज मोस्टली ट्रस्टी फ्रेंड टू टेक दिस मैन इनटू एग्जामिनेशन, के इन आदमियों को जरा एग्जामिन करो, अबाउट हुम द फेयर वाज ऑलमोस्ट ओवरटर्न, के इनकी वजह से पूरे का पूरा मेला, पूरी की पूरी मार्केट ही ओवरटर्न हो गई है। A ट्रायल इज हेल्ड इन विच फेयरफुल इज एक्यूज बाय थ्री विटनेस एंड वाय सुपरस्टिशन एंड पिक फैंग, अब एक वहां पे एक ट्रायल होता है, ठीक है, जहां पे फेथफुल को एक्यूज कर दिया जाता है और उसको चार्ज कर दिया जाता है, उस पर इल्जाम लगाया जाता है, और तीन विटनेस होते हैं, एक एनवाय हासिब, सुपरस्टिशन आपको पता है, तकिया नूसी सोच को कहा जाता है, एंड पिक थैंक वहां पे होता है, देन वेंट द ज्यूरी आउट, फिर वहां पे अदालत ठहरती है, हूज नेम्स वर मिस्टर ब्लाइंड मैन, अब अदालत में कौन कौन होते हैं, मिस्टर ब्लाइंड मैन होता है, मिस्टर नो गुड जिसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है, एंड मिस्टर मेलाइस, मेलाइस आपको पता ही है
अंदर की जो मलाइस होती है इंसान की उसको कहा जाता है मिस्टर लव लस्ट, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो लस्ती है, लालची है, मिस्टर लाइव लूज, ऐसे जो कि जिंदगी जो है लूजली वे में गुजार रहा है, मिस्टर हैडी जिसके हर वक्त हर चीज सरदर्द बनी रहती है, मिस्टर हाई माइंड जिसकी सोचें बड़ी बुलंद है, मिस्टर एनमिनिटी और एक मिस्टर दुश्मन, दुश्मन को एनमिनिटी कहते हैं दुश्मनी को, मिस्टर लायर झूठा, मिस्टर क्रुएलिटी जालिम, मिस्टर हेट लाइट, ठीक है, हेट लाइट यानी कि जो हिदायत से जो है वो नफरत करता है, एंड मिस्टर इम्प्लेसिबल और एक मिस्टर इम्प्लेसिबल हु एवरीवन गिव इन द प्राइवेट वर्डिंग अगेंस्ट हिम अमंग देमसेल्फ एंड आफ्टरवर्ड्स अनएनिमनसली कंक्लूडेड टू ब्रिंग हिम इन गिल्टी बिफोर द जज, ठीक है, अब ये सारे मिलके जो है ना उसको जज के सामने ले आते हैं कि भाई ये गिल्टी, एंड फर्स्ट अमंग देमसेल्फ ये जो ज्यूरी बैठती है ना उसकी बात हो रही है कि किस तरीके से उसको गिल्टी करते हैं, एंड फर्स्ट अमंग देमसेल्फ मिस्टर ब्लाइंड मैन द फोर मैन सेड आई सी क्लियरली दैट दिस मैन इज हेरेटिक, हेरेटिक एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि रिलीजन के खिलाफ बगावत कर देता है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि रिलीजन के ऑपोजिट बोल देना उसको एक्चुअली हेरेटिक कहते हैं. Then said Mr. No Good away with such a fellow from the earth. वो कहता भाई इस तरह के तो इंसान को फेंक दो from the earth. A said Mr. Malice, for I hate the very looks of him. Then said Mr. Loveless, I could never endure him. Nor I said Mr. Liveloose, for he would be condemned in by the way. Hang him, said Mr. Heady. A sorry scrub, said Mr. Hyman. My heart riseth against him. Mr. Anonymity, यानी कि ये सब जो उसके खिलाफ होते हैं, he's a rock, said Mr. Liar. Hanging is too good for him, Mr. Cruelty. Let's dispatch him out of the way, Mr. Hate. ये सारे मतलब इस तरह की कलमात कहते हैं उसके खिलाफ. Then said Mr. Implacable, might I have all the world given me? I could not be reconciled to him. Therefore, I let us forthwith bring him in guilty of death. कि इसको आप केली कर देते हैं, ठीक है, फांसी दे देते हैं. And so they did. Therefore, he was presently condemned to be hanged from the place where he was to the place from whence he came, and there to be put to the most cruel death that could be invented. और उसको जो है most cruel death दी गई जो कि invent की गई. They therefore brought him out to do with him according to their law, and first they scourged him, and then they buffeted him, and then they lashed his flesh with lime. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले according to law उन्होंने उसको स्कॉर्च किया, उसको बहुत बुरे तरीके से जो है टॉर्चर किया, देन दे बुफेटेड हिम, फिर उन्होंने उसको बुफेटेड उसका कीमा किया, देन दे लैश हिज फ्लैश विद नाइफ, फिर उन्होंने उसका जो फ्लैश एंड नाइफ के साथ चीरा, आफ्टर दे स्टोन्ड हिम विद स्टोन्स, उसको स्टोन्स के साथ मारा गया, देन प्रिक्ड हिम विद देयर स्वॉर्ड्स, फिर उन्होंने उसको उसकी प्रिकिंग की स्वॉर्ड्स के साथ, एंड लास्ट ऑफ ऑल दे बर्न्ड हिम टू द एशेस एट द स्टेक, और फाइनली जो है उसको जो है स्टेक्स के साथ, यानी कि स्टेक्स कहते हैं एशेज एट स्टेक, एक इंसान को बांध देते हैं और उसको स्टेक्स के साथ जला देते हैं, वो लकड़ी के साथ नहीं जलाते, तीर फेंक के और उसको जला देते हैं. दस केम फेथफुल टू हिज एंड, और फेथफुल जो है उसकी डेथ हो जाती है. नाउ आई सॉ देयर स्टूड बिहाइंड द मल्टीट्यूड अ शैरियट अ कपल ऑफ हॉर्सेस वेटिंग फॉर फेथफुल, ठीक है, अब क्या है, वो कहता मैं देखता हूँ कि वहां बिहाइंड मल्टीट्यूड ऑफ शैरियट है, कपल ऑफ हॉर्सेस है जो कि फेथफुल का वेट कर रहे हैं. हु सो सून एज हिज एडवर्सरीज हैड डिस्पैच हिम, जो कि उसकी तमाम एडवर्सरीज के बावजूद, उसकी शिकस्त हाली के बावजूद उसको यहाँ से डिस्पैच कर देंगे. वॉज टेकन अप इंटू एंड स्टे वॉज कैरिड अप थ्रू द क्लाउड्स विद साउंड ऑफ ट्रम्पेट नियरेस्ट वे टू सेलेस्टियल गेट. और फिर क्या होता है, वो कहता है अब मैं देखता हूँ एक शैरियट, एक कपल ऑफ हॉर्सेस जो कि वेट कर रहे हैं फेथफुल का, यानी कि अब फेथफुल शहीद हो गया और उसको अब आसमान भी उठाया जाएगा विद साउंड्स ऑफ ट्रम्पेट, ठीक है, साउंड्स ऑफ ट्रम्पेट कैरिड अप थ्रू द साउंड्स ऑफ क्लाउड्स का, थ्रू द क्लाउड्स उसको ऊपर उठाया जाता है क्योंकि वो तो शहीद हो जाता है, विद द साउंड ऑफ ट्रम्पेट, साउंड ऑफ ट्रम्पेट के साथ उसको आसमान पे उठाया जाता है नियरेस्ट वे टू सेलेस्टियल गेट, और वो जो है जन्नत के गेट के बहुत ही करीब पहुंच जाता है. बट एज फॉर क्रिश्चियन ही हैड सम रिस्पाइट एंड वाज रिमांडेड बैक टू प्रिजन, लेकिन उसको प्रिजन कर दिया जाता है. सो ही देयर रिमेन फॉर स्पेस, बट ही दैट ओवरडूज ऑल थिंग हैव द पावर ऑफ देयर रेज इन हिज ओन हैंड,
लेकिन वो कहता है कि उसको वहां पे छोड़ दिया जाता है, बट ही दैट ओवर रूल, लेकिन ही यानी कि गॉड की बात हो रही है कि जो कि ओवर रूल करता है ऑल थिंग्स को, उसके पास असल में पावर है ऑफ देयर रेज इन हिज ओन हैंड, उसके उनके भी रेज का अपने ही, सो रॉट इट अबाउट द क्रिश्चियन फॉर एट दैट टाइम एस्केप देम एंड वेनिस वे. और वो फिर क्या होता है दैट क्रिश्चियन के, उसको जो है वो कहता है कि एक वक्त आएगा कि वो क्रिश्चियन को जो है एस्केप कर देंगे एंड वेंट दिस वे वेंट हिज वे, और उसके रास्ते से हट जाएंगे. ठीक है ये बेटा आज आपका जो है ये कंप्लीट हो गया है, इसकी जो समरी वगैरह है वो कंप्लीट हो गई है. कल हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो स्टार्ट करते हैं और इसकी थीम्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे. ज़हरा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका?